निगरान हुकूमत ने अहम फैसला ले लिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मलकियत सूबों को दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक निगरान वफाकी हुकूमत ने बिजली की फरोख तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निजाम खत्म करने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ खत्म, बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल की जाएगी, जबकि समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत ने हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध की मलकियत में देने का फैसला किया है, जबकि कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलूचिस्तान की मलकियत में दी जाएगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मलकियत पंजाब और विफाक की मुश्तरका तौर पर होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केपी की मलकियत में दी जाएगी। इसके अलावा लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मलकियत पंजाब को देने का फैसला किया गया है। तकसीम कार कंपनियों को सूबों के हवाले करने का पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली चोरी और अदम वसूलियों के बाइस कौमी खजाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामार। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।